नमस्कार किसान साथियों, मैं निसार इंडियन, आपका फिर से एक बार स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनएलएम स्कीम में ज़मीन से जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई, कि खुद के नाम ज़मीन है तो कितनी ज़मीन चाहिए, और लीज पर ले रहे हैं तो कितनी ज़मीन लीज पर लेनी है, 100 प्लस 5 बकरियों से लेके 525 तक कितनी ज़मीन अपने को जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी वीडियो में कोई एक एकड़ बता रहा है, कोई दो एकड़ बता रहा है, कोई तीन एकड़ बता रहा है, वो लगभग तुक्के में लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। देखो, ज़मीन जो सरकार ने गाइडलाइन में जो निर्धारित की है, वही ज़मीन अपने को लेनी है, उतनी ज़मीन अपने को चाहिएगी। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सर मेरे नाम से ज़मीन नहीं है तो लीज कैसे लिखवाऊँ, वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। खुद के नाम है तो क्या कितनी ज़मीन चाहिए और कैसे लीज लिखवानी है, किससे लिखवा सकते हो लीज, ये सारी चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई, कितनी ज़मीन चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी इश्यू आपके मन में नहीं रहेगा। एनएलएम स्कीम, नेशनल लाइफ स्टॉक स्कीम में आज हम भेड़ बकरी से जुड़ी हुई जो ज़मीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 100 प्लस से 5 से जो बकरी है उनके लिए। तो YouTube पर जो वीडियो हैं उनमें कोई एक एकड़ बता रहा है, कोई दो एकड़ बता रहा है, वो सब दोस्तों फॉल्स न्यूज़ हैं। मैं बात करूँगा सरकार की जो नियम है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। सरकार ने गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है 100 प्लस 5 बकरियों के लिए 1800 स्क्वायर फुट ज़मीन है वो चाहिए अपने को, सेड के लिए 1800 स्क्वायर फुट चाहिए 100 प्लस 5 के लिए। अब इतनी तो गाइडलाइन में ली हुई है। अब 20x100 का हम बना रहे हैं, सेड बना रहे हैं, तो 2000 स्क्वायर फुट हो गया, और 2000 स्क्वायर फुट अपने को आगे बाड़े के लिए भी, जितना 20 फुट चौड़ाई अपने सेड की है उतनी 20 फुट चौड़ाई अपने बाड़े की, आगे बाड़ा भी बनाते हैं ताकि हम सफाई वगैरह करें अंदर, तो उनको एक बार बाहर निकाल सकें। अब बाहर निकाल सके तो सबको सेपरेट रखना पड़ता है, आपको पता ही है, 4 से 5 भाग अपने को सेड के बनाने हैं। प्रेग्नेंट बकरियां वो अलग है, ब्रीडर बकरे हैं वो अलग है, बच्चे अलग हैं, और जो अभी आगे ब्याने वाली हैं वो बकरियां अलग, ऐसे करके हम 4-5 भाग में रखते हैं, तो उसी भाग के अनुसार आगे उनके बाड़े बनाए जाते हैं। तो 2000 स्क्वायर फुट हम मोटा मोटी मान के चलते हैं सेड की, और 2000 स्क्वायर फुट अपने आगे बाड़े की हो गई, टोटल कितनी हो गई 4000 स्क्वायर फुट। अब इसके अलावा एक रूम बनाते हैं हम किस रहने के लिए, अब आदमी रखते हैं या कोई भी एनीथिंग, हम खुद जाके रहते हैं, तो एक रूम मान लो 10x12 का, मान लो 120 स्क्वायर फुट ये हो गई। अब इसके अलावा अपने को सूखा चारा रखने के लिए खाली जगह चाहिए है कि नहीं, बेचारा तो अपने को रखना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हम 500 स्क्वायर फुट जगह मोटा मोटी मान के चल लेते हैं। तो इस तरह ये ज़मीन हो जाती है 2000 स्क्वायर फुट 120 स्क्वायर फुट और 500 स्क्वायर फुट, लगभग 5000 स्क्वायर फुट जगह हो गई। तो गवर्नमेंट के अनुसार तो आपको 2000 स्क्वायर फुट ही जगह चाहिए 100 प्लस 5 बकरियों के लिए, लेकिन फार्म के लिए ज़रूरी कितनी हो गई 5000 स्क्वायर फुट जगह 100 प्लस 5 के लिए हो गई। यानी 2000 स्क्वायर फुट हम शेड तो बना देंगे, लेकिन कहाँ तो उनको बाहर निकालेंगे, कहाँ जो रहने वाला बंदा वो रहेगा, कहाँ सूखा चारा डालेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी 5000 स्क्वायर फुट जगह अपने को ज़रूरी है 100 प्लस 5 बकरियों के लिए। अब 200 के लिए कितनी है, 300 के लिए कितनी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5000 स्क्वायर फुट है तो 500 के लिए 25000 स्क्वायर फुट जगह हो गई। अब एरे चारे के लिए ऑप्शनल है, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि आपको एरा चारा बोने के लिए इतनी ज़मीन ज़रूरी है, गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है। हो तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं हो तो आपके लिए भी आपके खुद कोई दिक्कत है, अलग से भी आप एरे चारे के लिए ज़मीन रख सकते हो, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी है। अब स्क्वायर फुट में मैंने इसलिए बताया कि ऑल इंडिया के अंदर स्क्वायर फुट है वो सब समझते हैं, कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से, तो जगह को लेकर ये थी। अब ये तो हो गई माप का, जो आपको कम वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही कम वीडियो मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि सर कितनी जगह चाहिए हमें बकरी पालन के लिए। अब इसके अलावा बात करते हैं, ज़मीन खुद के नाम है इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, उस ज़मीन का रिकॉर्ड खुद के नाम है तो कोई प्रूफ तो होगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन लग जाएगा फॉर्म में। अब इसके अलावा आपके माता पिता के नाम से ज़मीन है या फिर किसी और के नाम ज़मीन है, तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर कितने साल के लिए लीज पर लिखवाएं और लीज पर कैसे लिखवाएं, ये दो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे ज़्यादा फार्मर वो पूछते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको कम से कम 7 साल के लिए लीज पर लिखवानी है, आप 10 साल के लिए लिखवा लो अच्छी बात है, 7 से कम है मत लिखवाना। तो 7 साल के लिए लीज पर हो गई या उससे ज़्यादा हो गई, कम ना हो। दूसरी बात, लीज कैसे लिखवाएं,
तो जिसके जिससे आप लीज ले रहे हो, जिसके नाम जमीन है, उसका भूमि का रिकॉर्ड ले लो आप, प्लस उसका आधार कार्ड और एक फोटो, तीन डॉक्यूमेंट तो हो गए, जिसके नाम जमीन है उसके, आपका आधार कार्ड और आपकी फोटो। आप जाओ नोटरी कोर्ट के अंदर, वकील मिल जाएगा, नोटरी मिल जाएगा, वहां से आपको स्टाम्प पर लीज लिखवानी है। अब सर फॉर्मेट भेजो लीज का, कैसे लिखवाएं, आपको खुद को नहीं लिखना है, कैसे लिखवाएं, आप तो ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में या नोटरी के पास चले जाओ कि हमें ये जमीन है 10 साल के लिए, 8 साल के लिए या 7 साल के लीज पर लिखवानी है, और ये डॉक्यूमेंट है हमारे, ये डॉक्यूमेंट जमीन देने वाले हैं लीज पर, मैं जमीन लेने वाला हूँ। वो फिर आपको ये भी नहीं पूछेगा कि मैं कैसे लिखूं, उनका रोज का काम है लीज लिखना, तो वो लीज पर लिख देंगे। अब कई दोस्त पूछते हैं किसान भाई सर किरायानामा लिखा लें, तो मित्रों किरायानामा केवल 11 महीने के लिए लिखा जाता है, 11 महीने से ज़्यादा किरायानामा कहीं नहीं लिखा जाता। 11 महीने से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन अपने को रेंट पर चाहिए तो अपने को लीज लिखवानी पड़ती है। आज ये बात आपकी क्लियर हो गई, किरायानामा इसमें नहीं लिखा जाता, वो लीज ही लिखी जाती है, ठीक है। अब किरायानामा लीज में क्या डिफरेंस है, किरायानामा 11 महीने के लिखा जा सकता है और लीज है वो 11 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए, कितने भी टाइम के लिए आप लिखवा सकते हो। तो ये हो गई बात है। अब ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। सर मेरे माता पिता के नाम पर है, दादा के नाम पर है, या मेरे पिता के नाम पर है, तो लीज ही लिखवानी पड़ेगी। सेल्फ खुद के नाम से ज़मीन है तो लीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन लग जाएगा। लेकिन अगर खुद के नाम नहीं है, उसके बाद में चाहे पत्नी के ही नाम हो, पिता के नाम हो, माता के नाम हो, दादा के नाम हो, पड़ोसी के नाम हो, किसी के भी नाम हो, आपको लीज ही लिखवानी है। अब दूसरी बात है, सर हम 5 भाई हैं और ज़मीन में हम 500 भाइयों का नाम है उसमें, ठीक है, तो क्या करें, तो फिर लीज नहीं लिखवानी। आपका नाम उसमें है तो आपके हिस्से की ज़मीन भी उसमें है और वो आपके रिकॉर्ड में भी लिखी हुई है, तो आपको लीज लिखवाने की जरूरत नहीं है। यानी भूमि रिकॉर्ड में अगर आपका नाम है, चाहे उस जमाबंदी में उस रिकॉर्ड में 25 नाम और हों आपके भाइयों के, दादा परदादा के, आपका नाम है और आपके हिस्से में जो मैंने बताया है उतनी स्क्वायर फुट जगह है आपके हिस्से में आ रही है, तो आप उस रिकॉर्ड को ज़मीन के रूप में काम में ले सकते हैं, आपको लीज लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अब नोशनल शेयर सर्टिफिकेट का मैंने एक पहले वीडियो में डाला था कि माता पिता के नाम है तो आप नोशनल शेयर सर्टिफिकेट लिखा लें, तो कई बार क्या कि पटवारी लिख के नहीं देते हैं, झंझट होता है कि कितना है, पटवारी पीछे पीछे फिराएंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो उनको भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो उनको रिकॉर्ड देखना पड़ता है, कुर्सी नामा लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितनी ज़मीन किसके शेयर में, तो वो झंझट वाला काम हो जाता है। इसलिए सीधा सा काम है लीज वाला, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं देखना होता, बस जिसके नाम भूमि है वो मौजूद है कि मैं मेरी ये ज़मीन इसको लीज पर दे रहा हूँ, वो सब टाइप करके सारा काम ओके हो जाएगा, तो लीज वाला काम ये हो गया। अब मेरे को नहीं लगता कि ज़मीन से जुड़ी, अच्छा एक और बता दूं, ज़मीन से जुड़ी भी एक समस्या है लोकेशन से संबंधित। सर मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मेरी ज़मीन दूसरी जगह पर है तो क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एड्रेस आधार कार्ड में अलग हो सकता है, ठीक है, और आपका फार्म का एड्रेस है वो अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग कहीं भी आप फार्म कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपके दोनों एड्रेस अलग अलग आएंगे, सेम है तो सेम आ जाएंगे दोनों जगह, आपके खुद के एड्रेस में और प्रोजेक्ट लोकेशन के एड्रेस में, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएंगे। अब लोकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़मीन कितनी चाहिए उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसके नाम ज़मीन है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ज़मीन से जुड़ी हुई जो बात है वो मेरे को फ़ोन करके न पूछे प्लीज़, मैं अगर ज़मीन से व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हो तो मैं यही वीडियो आपको भेजूंगा, इस वीडियो में भी आपके ज़मीन का सोल्यूशन नहीं होता है फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित वीडियो पहले डाल चुका हूं मैं, बैंक लोन से संबंधित बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला है कि 7-8 प्रकार के इंसान लगभग मतलब लोन लेने वाले होते हैं, उसमें आप कौन से में फिट बैठते हो और आपको क्या तरीका अपनाना है वो मैंने उस वीडियो में पूरा बता दिया है। डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लगभग 14-15 डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, जिसमें से 3 डॉक्यूमेंट हम आपको दे देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं, एक एक्सपीरियंस लेटर है वो आपका टाइप करके पूरा आपके नाम से बना के दे देते हैं, तो उस पर आप या तो कोई सरकारी पशु चिकित्सक जो आपको जानता हो कि ये पशु रखते हैं उनकी मोहर साइन करवा लो, उसका नहीं करवाते हो तो आप गाँव के प्रधान या सरपंच का भी उस पर करवा सकते हो, जिम्मेदार आदमी होता है वो मोर साइन कर देगा, बाकी बातें मैं लिखी हुई आपको भेज ही दूंगा उस पर इंग्लिश में कि भाई ये पशु रखते हैं इतने साल से इनको अनुभव हो, एक प्रूफ हो गया कि आपको एक्सपीरियंस है पशु रखने का, ठीक है। तीसरा हम बैंक मैंडेट फार्म भेजते हैं। अब सर मैंडेट फार्म क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंडेट फार्म आपका बैंक का सेविंग अकाउंट जहाँ आपका है
उस बैंक की डिटेल, आपके आपका नाम, आपका खाता नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, बस यही डिटेल है उसमें भर के आप पासबुक से, अपनी बैंक पासबुक से उस आपके सेविंग बैंक अकाउंट वाले आपके मैनेजर के पास जाइए, बैंक मैनेजर के पास, सर साइन करके दीजिए। एक बार भी आपको मना नहीं करेगा, क्यों, इसमें आपके अकाउंट की डिटेल है और उनको वेरीफाई करके देनी कि हाँ इस बंदे का हमारे बैंक में अकाउंट है, ये डिटेल सही है, पासबुक साथ में ले जाइए। ये हो गया बैंक मैंडेट फॉर्म से संबंधित, ये अपलोड होगा मैंडेट फॉर्म, इसके साथ एक चेक भी लगेगा आपका, कैंसिल चेक, ठीक है ना, ये एक ही कॉलम में अपलोड होगा। उसी तरह एक एक्सपीरियंस लेटर भी आपके अपलोड होगा, उसी तरह आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और आप जहाँ फॉर्म, जहाँ फार्म बनाओगे सेड का, उसकी एक फ़ोटो, वो फोटो आपको प्ले स्टोर में आप जियो टेक मोबाइल नाम से कोई ऐप इंस्टॉल कर ले, उससे आपको फोटो कैंसिल नहीं, ताकि आपकी कोऑर्डिनेट लोकेशन है वो उस फोटो में साथ में आ जाए। एक आपकी खुद की फोटो, दो फोटो लगेंगे, ठीक है, आपकी खुद की और लोकेशन की, ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने। बाकी मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उनको सारी डिटेल भेजता हूँ, उनको प्रोसेस भेजता हूँ, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, टोटल कितने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं नेशनल लाइवस्टॉक से संबंधित और कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कराते हो, उस दौरान आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। हालांकि ऑनलाइन आवेदन में आपको ट्रेनिंग के लिए यस नो का ऑप्शन है, आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। एक्सपीरियंस लेटर आपको अनिवार्य रूप से लगाना होगा, ट्रेनिंग ले लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये डॉक्यूमेंट तैयार कराते हो, इतने बीच में कहीं टाइम देख के आप 2-3 दिन की ट्रेनिंग लेके, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हो, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएं, उसके बाद आप ऑनलाइन किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर, अनुभवी आदमी के पास बैठकर आप ऑनलाइन उसको आवेदन कर दें, ठीक है। आवेदन कैसे करना है ऑनलाइन, वो सीएससी सेंटर का काम, आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना, वो रात दिन करते हैं, उनको वो अपने आप कर देंगे, आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं करें, गलती कर देंगे आप, क्योंकि इंग्लिश में फॉर्म होगा, बहुत सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी आगे की, बढ़िया। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख ले, मैं कभी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ करो, उससे समस्या, देखो मैं तो कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ, तो आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाएगा अगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे, तो ये वीडियो हो सकता है कि आगे जो वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत नहीं पहुँचे, वंचित रह जाओ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुँच जाएँ। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए व्हाट्सअप नंबर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ग्रुप बना रखा है हमने ऑल इंडिया एनएलएम फार्मर के नाम से, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें, प्लस व्हाट्सएप पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे को मैसेज करें, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, क्या क्या डिटेल आपको भेजनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। विद इन 10-12 घंटे में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर हम भेज देते हैं, बहुत से लोगों ने बनवाई है, सब संतुष्ट हैं, कोई भी असंतुष्ट नहीं, और उसकी रिपोर्ट बनाने के बाद भी हम उनकी हेल्प करते रहते हैं क्या क्या करना है। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से 13 मिनट का पहले से हो चुका है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे का जो नॉलेज है वो भी मैं अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।